आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तो महान विपु नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वायम नाव सीदति। अर्थात आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम परिश्रम करना मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। यानी परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी भी दुखी नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य राम मिश्रा, आप सभी दोस्तों का अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है, आप सभी लोगों को 2024 यानी आने वाले वर्ष की अंग्रेजी संवत्सर की बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को सबको एक मन में एक विचार होता है, मन में एक धारणा होती है, मन में एक खुशी होती है कि दिसंबर माह के बाद जो है, जब अगला साल आएगा जनवरी 2024, तो हमारे ग्रह किस तरीके के होंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है साथियों, वो मेष राशि के जातकों के लिए 2024 में आपके ग्रह कैसे रहेंगे, आपकी कुंडली में नवग्रहों का जो समावेश है वो आपके लिए अति उत्साहजनक है, और 2024 आपके लिए कौन सा माह किस तरीके से आपको फल देगा, कौन सा माह आपके लिए भाग्योदय कारक है 2024 का, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुनना है क्योंकि आपको बहुत आनंद आने वाला है। लास्ट में बताऊंगा विशेष उपाय जिससे आप जो है अपने जीवन की धुरी को जो है, यदि दुखी हैं तो सुख की तरफ कैसे घुमाएं, इस तरीके का परिवर्तन मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। साथियों, आपकी जो कुंडली है, जब 2024 जनवरी माह शुरू होगा तो कैसा रहने वाला है राशिफल, तो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। आइए आपको बताता हूं, आपका जब जो है दिसंबर माह शुरू होगा तो आपके जो नवग्रहों की स्थिति है वो जो है, आपकी राशि क्या है, मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी ग्रह कौन है, मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह की जो युति है, मेष राशि कहाँ है आपकी, यानी लग्न में जो है चंद्र राशि और मेष राशि। यानी साथियों, यदि आपको अपनी नाम राशि पता है और जन्म राशि पता नहीं है, आपकी कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, तो आप चंद्र राशि पर जान सकते हैं, नाम राशि पर जान सकते हैं, और ये सब भी आप नहीं जानते हैं तो अपनी दोनों हथेलियों का फोटो और अपना फेस का एक फोटो मुझे भेजें, तो अपने बारे में आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि आपका जो है वार्षिक राशिफल 2024 कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। तो इसमें सूक्ष्म फीस दे करके आप लोग अपने बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपका जो है मेष लग्न है, मेष राशि है, राशि स्वामी आपका मंगल ग्रह है, आपका जो है पंचम भाव में सिंह राशि की चंद्रमा विराजमान है, साथ ही आपका जो है षष्ठ भाव में केतु देव कन्या राशि के विराजमान है, आपके जो है नवम भाव में सूर्य और मंगल विराजमान है, साथ ही आपके बुध और शुक्र जो है अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के विराजमान है, आय स्थान में अपनी राशि में कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है, बारहवें स्थान में राहुदेव विराजमान है। तो ये तो है आपके ग्रहों का जो है संचरण इस तरीके से रहेगा 2024 में। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, यानी 2024 में आपका कष्टी ग्रह कौन सा है, यानी राहु है, और राहु जो है व्यय स्थान में विराजमान है। अब ये कहाँ कष्टी होगा और कहाँ आपको लाभ देगा वो आप ध्यानपूर्वक सुने। यानी साथियों, बृहस्पति के घर में राहु देव विराजमान है और बारहवें भाव में है। अब ये जो है, ये साल आपके लिए विदेश गमन के लिए बहुत अच्छा है, आप जो है विदेश में जा सकते हैं, आप जो है चाहे लॉन्ग ट्रेवल करें या अपने किसी कार्य के वेश में जाएं या आप घूमने फिरने के पर्पज से जाएं, लेकिन लॉन्ग ट्रेवल आपका होगा, ये राहु करवाता है। यानी बारहवें भाव में जब राहु आता है तो ये लॉन्ग ट्रेवल जरूर देता है। अब चाहे आप अपने काम से जाएं, चाहे आप घूमने फिरने से जाएं, चाहे आपका कोई कार्य उधर पड़े या किसी कंपनी में जाएं या किसी कार्य के लिए जाएं, तो आप जाएंगे जरूर। दूसरा जो है, मार्च से सितंबर तक जो है ये आपको जो है बहुत शुभ रहेगा।
दूसरा पैसों की बचत ऐसे लोग जरूर करते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि पैसों की बचत यानी जब भी व्यय स्थान में यानी बारहवें भाव में कोई पाप ग्रह आता है तो ऐसे लोग थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, पैसे को बचाने के लिए जो है एन के प्रकार से कोशिश जरूर करते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है आपका कौन करेगा, यानी राहुदेव करवाएगा आपसे, यानी पैसे की बचत आप अच्छे से करेंगे थोड़ा सा कंजूस भी हो जाएंगे। पैसों की बचत के लिए आप अग्रणी रहेंगे, यानी आप जो है जो 2024 है उसमें पैसे की बचत होगी, लॉन्ग ट्रेवल आप करेंगे, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे मठ मंदिर का हो, देवी स्थान का हो, विदेश गमन का हो, आपका इस तरीके से शुभ रहेगा। यानी अब हम चलते हैं किसमें, चंद्रदेव पे। अब चंद्रदेव पे ये काही का स्थान है, आपकी पढ़ाई का क्षेत्र है, ये आपको जो है वाणी का क्षेत्र है, ये संतान का क्षेत्र है, यही स्थान आपके प्यार प्रेम का क्षेत्र है। तो जब चंद्रमा जो है आपका जो है पंचम में है, सिंह राशि का चंद्रमा है और ऊपर से बृहस्पति देव की दृष्टि उस पर है, बृहस्पति देव जो है दृष्टि कर रहे हैं पंचम हाउस में, तो अब ये क्या करेगा, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत शुभ होने वाला है, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी रहेगी, संतान होने के जो चांसेस हैं वो जो है 2024 में अति उत्तम है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो संतान के लिए जो है आगे प्रयास करते हैं तो आपकी संतान होगी। किसी व्यक्ति के यदि कुंडली में ग्रह कष्टी है तो संतान गोपाल का पाठ करवा करके भी संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। यही स्थान जो है साथियों आपका वाणी का भी है और वाणी के जो कारक ग्रह हैं वो बुध देव हैं, तो वाणी में भी जो है आप दूसरे का दिल जीतने की कोशिश करोगे, दूसरे का दिल जीत ही लोगे। रोग स्थान में केतु की युति होने से थोड़ा सा आपको जो है पेट से संबंधित दिक्कत, पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको आ सकती है, उसके लिए यदि आप जो है जो पाप ग्रह है केतु देव हैं, हालांकि केतु देव की जो स्थिति है वो सामान्यतः त्रिक भाव में जो है पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ये पेट में लीवर से संबंधित आपको कुछ दिक्कत कर सकते हैं, तो उसके लिए यदि आप योगा करते हैं और प्रयासरत रहते हैं, पूजा पाठ वाले हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रहेगी। वहीं अब बात कर लेते हैं आपके क्या है मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ का जो स्वामी ग्रह है शुक्रदेव वो कहाँ है, अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में जो है शुक्र की जो स्थिति है वो अच्छी है। अब शुक्र की स्थिति है, बुध की स्थिति है और आपका जो सेवंथ हाउस है वहां तुला राशि है, तो तुला जो राशि का स्वामी है शुक्रदेव वो प्यार प्रेम का कारक होता है, तो आपका जो है प्यार प्रेम के लिए आपका जो वैवाहिक जीवन है वो जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों में जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी रहेगी, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा वाला भाव नहीं रहेगा, आपका प्यार प्रेम अत्युत्तम रहने वाला है। पहले से जो दिक्कत चली हुई आ रही थी, पहले से जो प्यार प्रेम में प्रॉब्लम थी, पहले से जो कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी, पहले से जो दिक्कतों का सामना आप लोग कर रहे थे वो अब खत्म होगी। थोड़ा सा यदि जो व्यक्ति जिनके ग्रह कष्टी हो उनके लिए दिक्कत तो रहेगी, बरकरार रहेगी, वो जब उपाय करेंगे तब उनके लिए सही रहेगा। वहीं अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य भवन की। अब भाग्य भवन में साथियों यहां पर स्थिति बहुत अच्छी है। अब कैसे स्थिति अच्छी है, क्योंकि यहां पर धनु राशि का मंगल है, सूर्यदेव वहां पर विराजमान है और मंगल देव भाग्य स्थान में है, तो मंगल देव मंगल तो जरूर ही करेंगे। वहीं बात कर लेते हैं आपके शनिदेव की, यानी शनिदेव आपका आय स्थान में है और आय स्थान में जब शनिदेव रहते हैं तो ये क्या क्या काम करते हैं, ये आपको जो है 14 से 15 अप्रैल के बाद बहुत अच्छी स्थिति आपके रखेंगे। दूसरा जो है आपका पढ़ाई जो है जनवरी और फरवरी के बाद बहुत शुभ रहेगी। तीसरा आपका संतान का योग बहुत अच्छा रहेगा। चौथा आपको जो है प्यार प्रेम बहुत सुंदर रहने वाला है और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी बहुत सुंदर रहेगी। तो आपका जो है ये साल 2024 है अत्युत्तम रहने वाला है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरीके की कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आपका प्यार प्रेम, आपका विदेश गमन, आपका जो है पढ़ाई का क्षेत्र, आपका जो है संतान का क्षेत्र बहुत शुभ रहने वाला है और आगे बढ़ने की युति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। 2024 में आपकी विशेष उन्नति होगी, विशेष धन का लाभ होगा, विशेष मित्र से मुलाकात होगी, मित्र के जरिए से आपका कोई काम बनेगा और वहीं आपके जीवन साथी से संबंधित भी आपको लाभ मिलेगा और आपके जो है बाह्य
गमन पर, यानी आप जो है विदेश गमन करते हैं और फॉरेन ट्रिप के लिए कोशिश करते हैं, तो आपका वो भी हो जाएगा। आपका व्यापार ऑयल से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित, आपका शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इससे संबंधित भी आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। तो स्थिति आपकी कुल मिलाकर के साथियों बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य मंगल की स्थिति अच्छी है और आपकी जन्म कुंडली में जो है गुरु की स्थिति बहुत शुभ है, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत शुभ है, आपकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति बहुत शुभ है, मंगल की स्थिति बहुत शुभ है। तो चार ग्रह आपको इस साल विशेष उन्नति देंगे, विशेष लाभ आपके लिए करेंगे, जो आप चाहोगे वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन विशेषतर सतर्क आप रहिएगा, जिन लोगों का ग्रह कष्टी होगा, जिन लोगों की दशा महादशा कष्टी होगी, उन लोगों को उपाय कराना बहुत जरूरी है, अपनी कुंडली पर विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी है और उस पर जो उपाय लगना चाहिए वो उपाय कराना बहुत जरूरी है, ताकि आपके लिए बहुत अच्छा रहे। जिन लोगों की कुंडली अच्छी है उनके लिए शुभ रहेगा, जिन लोगों की कुंडली जो है शुभ नहीं है उन लोगों के लिए कष्टी भी है। तो यानी साथियों, सुख है तो दुख भी है और दुख है तो सुख भी है, यानी अच्छा है तो बुरा भी है। तो इसलिए जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि सब अच्छा ही अच्छा है, यदि हमारे कर्म के अनुसार यदि हम कहीं गलती करते हैं तो उसका दंड भी दिया जाता है। तो कुंडली में दंडनायक कौन है? राहु देव और शनि देव, ये दंडनायक हैं, ये दंड भी देते हैं। इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और साथ में भगवान का पूजन जरूर करें, माता पिता की सेवा जरूर करें। आपका 2024 बहुत शुभ रहेगा और फिर एक बार जो है आपको 2024 की बहुत बहुत बधाई। अब आपको विशेष उपाय क्या करना है साथियों, आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ नहीं छोड़ना है। हनुमान चालीसा आप पूरी पढ़ें, याद करके नहीं बोले, पढ़नी है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हुई सिद्धि साखी गौरीसा, यानी पढ़ करके फल मिलता है, याद करके नहीं। तो अब आपने जो है मूंगा आपने जरूर धारण करना है, रेड कलर और इसके साथ में जो है ब्लू कलर, ये आपके लिए कलर शुभ रहेंगे। आपका जो भाग्यांक है वो है 1, 4, 5, ये आपके भाग्यांक हैं। और आपके जो शुभ रत्न हैं वो है मूंगा और मोती। और साथियों आपको जो हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है और मंगल का बीज मंत्र का जाप जरूर करना है। तो साथियों कैसी लगी आपको वीडियो, चैनल को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और बने रहिएगा हमारे साथ। राधे राधे।